Hello friends, welcome to Redix. In this session we will discuss problem on HCF and LCM, and this problem is asked by our student Hans. Now the question is very interesting. Now this question is algebra mixed with LCM HCF. Now we have to calculate HCF of this expression x cube plus 3x square minus x minus 3 and x cube plus 4x square plus x minus 6. Now इस क्वेश्चन करने के दो तरीके होंगे, मैं आपको दोनों बता रहा हूं। पहले आपको बता रहा हूं शॉर्टकट तरीका। फर्स्ट ऑफ ऑल एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब जो भी आपका आंसर होगा वो इसको डिवाइड करेगा। तो हम क्या करेंगे, अच्छा जैसे इसका मुझे एचसीएफ इसका फैक्टर सेलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, जो भी मुझे ऑप्शन सबसे आसान लगता है, माना ये सबसे आसान है, इसको जीरो पुट कर लो, एक्स की वैल्यू वन आ जाएगी। अब वन पुट करो यहां पर इस एक्सप्रेशन में, अगर ये जीरो देता है तो इसका मतलब ये फैक्टर है। वन प्लस थ्री माइनस वन माइनस थ्री जीरो आ गया, यहां पुट करो वन प्लस फोर माइनस वन प्लस वन माइनस सिक्स, ये भी जीरो आ गया। इट मीन्स इट इज अ फैक्टर, बट गलती यहां पर ये होगी कि आप इसको मार्क कर दोगे। नहीं, यहां पर आपको एक बात सोचनी होगी, आपको पूछा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये कॉमन फैक्टर आ गया। अभी मैंने ये नहीं चेक किया कि ये हाईएस्ट है, क्या पता, देखो ये तो अब दो आंसर नहीं हो सकते क्योंकि एक्स माइनस वन तो आंसर हो गया, लेकिन ये जो फैक्टर देख रहे हो आप, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री, तो यहां से x x प्लस थ्री हो रहा है और यहां से माइनस वन कॉमन ले सकते हो। नाउ माइनस वन यहां से कॉमन लो, दिस इज x माइनस थ्री, तो x प्लस थ्री, सॉरी दिस इज x प्लस थ्री एंड x माइनस वन। आपको ये बात समझनी है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है जो दोनों में फैक्टर हो और ज्यादा वैल्यू हाईएस्ट। तो अब हम चेक करेंगे, क्या पता x प्लस थ्री भी इसका फैक्टर बन जाए, अगर x प्लस थ्री इसका फैक्टर बन गया तो आंसर होगा ये, अदरवाइज आपका आंसर होगा ये। ये गलती हो जाती है नॉर्मली, स्टूडेंट जो शॉर्टकट पढ़ के बैठा होता है वो ये सोचता है कि भाई एक बार सर ने बता दिया कि जो ऑप्शन होता है उससे पुट कर लो, लेकिन x माइनस वन तो फैक्टर हो चुका है, हम x प्लस थ्री भी चेक करेंगे, x प्लस थ्री वुड बी जीरो, x वुड बी माइनस थ्री। नाउ पुट माइनस थ्री, दिस इज माइनस ट्वेंटी सेवन, दिस इज प्लस ट्वेंटी सेवन, माइनस प्लस थ्री माइनस थ्री, यस इट कैंसिल इट जीरो। सो ये इसका तो फैक्टर हो गया, अब इसको देखते हैं, माइनस ट्वेंटी सेवन प्लस थर्टी सिक्स माइनस थ्री माइनस सिक्स, यस दिस इज ऑल्सो गिव्स यू जीरो। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। हमको अधिक से अधिक फैक्टर ढूंढना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब महत्तम समापवर्तक जो दोनों में ज्यादा हो, तो ये वैल्यू आपकी आंसर हो गई। अच्छा, अब इसका दूसरा तरीका क्या है, एक और मेथड होता है हिट एंड ट्रायल, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थ्री, जो आप हाई स्कूल में करते आए हैं, नाइन्थ और टेंथ में आपने सीखा होगा। एक्स माइनस वन मान लेते हैं जीरो, देखो इसमें हिट एंड ट्रायल में क्या होता है, पहले एक्स को वन रखते हैं, फिर माइनस वन रखते हैं, फिर टू रखते हैं, माइनस टू रखते हैं, देखते हैं किससे जीरो आ रहा है। तो मैंने एक्स को वन रखा, तो दिस इज वन प्लस थ्री माइनस वन माइनस थ्री, तो जीरो दे दिया, इसका मतलब एक्स माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ दिस। तो डिवाइड करो इसको, एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थ्री, दिस इज एक्स स्क्वायर एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस, दिस इज फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थ्री, नो प्लस फोर एक्स, दिस इज फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस प्लस, ये हो गया थ्री एक्स माइनस थ्री, नाउ प्लस थ्री, सो दिस इज थ्री एक्स माइनस थ्री एंड माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया जीरो। सो दिस एक्सप्रेशन जो हमारे पास पहली एक्सप्रेशन हो गई एक्स माइनस वन एंड एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री, और इसके फैक्टर करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन एंड एक्स प्लस थ्री, राइट। उसी तरह से सेकंड इक्वेशन जो हमारे पास है एक्स क्यू प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, इसको भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो एक्स माइनस वन, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, फाइव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स प्लस फाइव एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स, ये माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, सिक्स एक्स माइनस सिक्स, तो यहां पर आप माइनस प्लस सिक्स माइनस सिक्स से मल्टीप्लाई करो, तो दिस इज प्लस सिक्स एक्स, हमको प्लस सिक्स से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो दिस इज माइनस साइन चेंज कर देंगे तो कट जाएगा पूरा। तो अब इसका जो फैक्टर बन गया वही हो गया एक्स माइनस वन, और इस वैल्यू के फैक्टर क्या होंगे, एक्स प्लस टू एंड एक्स प्लस थ्री। सो देखो मेरे पास जो पहली एक्सप्रेशन थी वो थी एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थ्री बराबर एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू एंड एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस वन, और सेकेंड इक्वेशन थी एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, इसके फैक्टर आए x माइनस वन एक्स प्लस टू एंड एक्स प्लस थ्री। तो जब हम बात करते हैं एस सी एफ की, देखो x माइनस वन कॉमन x माइनस वन, उसके बाद देखो x प्लस थ्री कॉमन, और बाकी कॉमन नहीं है, ये दोनों ही हो सकते। अच्छा अगर मैं निकालना हूं एलसीएम, तो एलसीएम में हम x माइनस वन और कॉमन वैल्यू x प्लस थ्री तो लिखेंगे, बाकी बचा क्या x प्लस वन और x प्लस टू और लिख देंगे, ये हमारा आंसर होगा एलसीएम की जब बात करते हैं।
सो गौतम समझ में आया, हंस आपको समझ में आई बात ये? सो बहुत आसान होता है, प्रैक्टिस करो, तरीके होते हैं क्वेश्चन एग्जाम निकालने के। मैं बार बार बोलता हूं एसएससी बैंक के जो क्वेश्चन होते हैं उनका ट्रिक्स होती है, वो ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए। और बहुत सी ट्रिक्स मार्केट में भी हैं, आपको हर जगह मिलेगी, लेकिन एग्जाम में जो ऑप्शन बेस्ड अप्रोच होती है वो आपको कहीं नहीं, वो मेरे पास ही मिलेगी। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। एग्जाम में आप नए नए शॉर्टकट में मत फंसो, ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन करते हैं वो देखो। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।